मित्रों आइए जानते हैं अपने पूर्वजों का इतिहास। फतेहपुर के बावर इमली का एक ऐसा इतिहास जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भारत की वो इकलौती ऐसी घटना जब अंग्रेजों ने एक साथ 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ पर लटका दिया था, पर इतिहास की इतनी बड़ी घटना जो आज तक गुमनामी के अंधेरे में ढकी रही, आज हम इसका उजागर करेंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित बावनी इमली का एक प्रसिद्ध पेड़ है जो भारत में एक सही स्मारक भी है। इसी इमली के पेड़ पर 28 अप्रैल 1858 को गौतम क्षत्रिय, जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथी फांसी पर झूले थे। ये स्मारक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी उपखंड में खजुआ कस्बे के निकट बिंदकी तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर पश्चिम में मुगल रोड पर स्थित है। मित्रों ये स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों का प्रतीक है। 28 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना द्वारा 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक इमली के पेड़ पर फांसी दी गई थी। ये इमली का पेड़ आज भी मौजूद है। लोगों का विश्वास है कि उस नरसंहार के बाद इस पेड़ का विकास बंद हो गया। 10 मई 1857 को जब बैरकपुर छबरी में आजादी का संघ बजाया गया तो 10 जून 1857 को फतेहपुर क्रांतिकारियों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया, जिनका नेतृत्व कर रहे जोधा सिंह अटैया फतेहपुर के डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्लाह खां भी इनके सहयोगी थे। इन वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर कचहरी एवं कोषागार को अपने कब्जे में ले लिया। जोधा सिंह अटैया के मन में स्वतंत्रता की आग बहुत समय से लगी हुई थी। उनका संबंध ताकिया तोपे से बना हुआ था। मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को पांडू नदी के तट पर टक्कर ली। आमने सामने के संग्राम के बाद अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर भाग गए। इन वीरों ने कानपुर में अपना झंडा गाड़ दिया। मित्रों जोधा सिंह के मन में ज्वाला इतनी जल्दी शांत नहीं हुई। उन्होंने 27 अक्टूबर 1857 को महमूद गांव में एक अंग्रेज दरोगा और सिपाही को उस समय जलाकर मार दिया जब वे एक घर में ठहरे हुए थे। 7 दिसंबर 1857 को उन्होंने गंगा पार रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर अंग्रेजों के एक पिट्ठू का वध कर दिया। जोधा सिंह ने अवध और बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को संगठित किया और फतेहपुर पर कब्जा कर लिया। आवागमन की सुविधा को देखते हुए क्रांतिकारियों ने खजुआ को अपना केंद्र बनाया। किसी देशद्रोही मुखबिर की सूचना पर प्रयाग से कानपुर जा रहे कर्नल प्रवीण ने इस स्थान पर एकत्रित क्रांतिकारी सेनाओं पर हमला कर दिया। कर्नल प्रवीण उनके इस गढ़ को तोड़ना चाहते थे, परंतु जोधा सिंह की योजना अचूक थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का सहारा लिया जिससे कर्नल प्रवीण मारा गया। अब अंग्रेजों ने कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई खेप भेज दी। इससे क्रांतिकारियों को भारी हानि उठानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी जोधा सिंह का मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने नए सिरे से सेना के संगठन और शस्त्र संग्रह और धन एकत्रीकरण की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने छग वेश का प्रवास प्रारंभ कर दिया। दोस्तों ये देश का दुर्भाग्य है कि वीरों के साथ साथ देशद्रोही भी पनपते रहे। जब जोधा सिंह अटैया अरगल नरेश से संघर्ष हेतु विचार विमर्श कर खजुआ लौट रहे थे तो किसी मुखबिर की सूचना पर ग्राम घोरा के पास अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर संघर्ष के बाद जोधा सिंह अपने 51 क्रांतिकारी साथियों के साथ बंदी बना लिए गए। 28 अप्रैल 1858 को मुगल रोड पर स्थित इमली के पेड़ पर उन्हें अपने 51 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों की बर्बरता यही नहीं रुकी। अंग्रेजों ने सभी जगह मुनादी करा दिया कि जो कोई भी सबको पेड़ से उतारेगा उसे भी उसी पेड़ पर लटका दिया जाएगा। मित्रों इसके बाद कितने दिनों तक सब पेड़ों पर लटकते रहे और चील और कौवे उन्हें खाते रहे। अंत में महाराज भवानी सिंह अपने साथियों के साथ 4 जून को जाकर सबों को पेड़ से नीचे उतारा और उनका अंतिम संस्कार किया। मित्रों यह पेड़ बिंदकी की खजुआ के बीच स्थित वह इमली का पेड़ जो बावनी इमली आज शहीद स्मारक के रूप में याद किया जाता है। Thank you.